ओम गणपतये नमः। श्री गुरुदेवदत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अत्यंत सरल और आसान लेकिन तुरंत असर करने वाले महाशक्तिशाली उपाय के बारे में बता रही हूँ, जिससे किसी भी प्रकार के भय, डर या चिंता से तुरंत मुक्ति मिलती है। यह एक इतना सरल, बिना यंत्र, मंत्र या तंत्र का भयनाशक उपाय है, जिसका प्रयोग एक बच्चा भी बिना कठिनाई से कर सकता है। और इस उपाय की खास बात यह है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की पूजा विधि या अन्य तंत्र जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप किसी भी प्रकार के संकट या भय के साए में जी रहे हो, उदाहरण के तौर पर कर्जदारों से परेशानी, शत्रु और गुप्त शत्रुओं का भय, रोग, महामारी इत्यादि का भय, या अगर आपको बुरे विचार या बुरे सपनों की वजह से नींद नहीं आती है, तब आप इस भयनाशक उपाय का प्रयोग कर सकते हो। पीपल का पेड़ का हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और उसकी पूजा की जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व पेड़ों में पीपल का पेड़ मैं हूँ। साधक अलौकिक शक्तियाँ पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा के बैठते हैं और इस पेड़ को अक्सर मंदिरों के निकट पाया जाता है। गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते वक्त बोधि यानी कि निर्वाण प्राप्त हुआ था। इन कारणों की वजह से पीपल के उपाय बहुत चमत्कारी और असरदार होते हैं। अब मैं आपको इस उपाय के विधि के बारे में बता रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। आपको पीपल के पेड़ का एक जड़ का छोटा सा टुकड़ा उठा लेना है। यह देखिए, ये एक पीपल का बड़ा पेड़ है, उसके जड़ का एक टुकड़ा हमें उठा के लेना है। यह देखिए, ये एक टुकड़ा मैं उठा के ले रही हूँ। फिर उस टुकड़े को अपने घर पर लाकर अपने तकिए के नीचे रखना है। बस आपको इतना ही करना है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय के साथ किसी भी प्रकार की पूजा विधि या मंत्र जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपको लगेगा कि आप भय मुक्त हो गए हो और आप इस उपाय को बंद करना चाहते हो, तब आप उस पीपल के जड़ के टुकड़े को जल में विसर्जित कर सकते हो। और अगर आवश्यकता महसूस हो तो आप इस उपाय को फिर से कर सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।